लगातार पूरा दिन हर खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुर्तजा से पूछताछ में मिली है अहम जानकारी। एटीएस के डर से नेपाल भाग गया था मुर्तजा। मुर्तजा ने नेपाल बॉर्डर से खरीदे थे 2 धारदार हथियार। गोरखपुर हमले से पहले नेपाल में था मुर्तजा। नेपाल से गोरखपुर पहुंचकर मुर्तजा ने किया है मंदिर में जाकर हमला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल भी वो गया था, धारदार हथियार भी उसने खरीदे थे। 2 धारदार हथियार उसने खरीदे थे गोरखपुर हमले से पहले, वो नेपाल में ही मौजूद था। और इस बीच एक बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में एटीएस की छापेमारी जारी है। छुटमुलपुर से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए युवक की उम्र 30 साल बताई जा रही है। एटीएस ने संदिग्ध युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। तो गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में एटीएस की छापेमारी अलग अलग इलाकों में नजर आ रही है।